एक साहब सवाल करते हैं, मुफ्ती साहब हिंदुओं को दिवाली की मुबारकबाद देनी चाहिए या नहीं? नीज ये भी रहनुमाई फरमा दें कि उनकी तरफ से दिवाली की खुशी में भेजी गई मिठाई खाना जायज़ है या नहीं? जवाब ये है कि किसी मुसलमान के लिए हिंदुओं की होली, दिवाली या उनके किसी और मजहबी त्यौहार के मौके पर उसकी मुबारकबाद देना जायज़ नहीं है, और अगर उनकी तज़ीम व तकरीम और उनके इन त्यौहारों की तहसीन मकसूद हो तो कुफ्र का भी अंदेशा है। दिवाली के मौके पर हिंदुओं की जानिब से दी गई मिठाई वगैरह अगर उन्होंने अपने बातिल माबूदों के नाम पर न चढ़ाई हो और ना ही उसमें किसी हराम और नापाक चीज़ की आमेजिश हो तो उसका इस्तेमाल जायज़ है, अलबत्ता फिर भी एहतियात बेहतर है। मज़ीद ये कि अगर गैर मुस्लिम अपने त्यौहार के मौके पर कोई चीज़ पेश करे तो उसे त्यौहार की मुबारकबाद हरगिज़ न दी जाए। फतावा महमूदिया में एक सवाल का जवाब है कि जो खाना कचौड़ी वगैरह हिंदू किसी अपने मिलने वाले मुसलमान को दें उसका न लेना बेहतर है, लेकिन अगर किसी मसलहत से ले लिया तो शरान इस खाने को हराम न कहा जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें शरीयत व सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।